अस्सलाम वालेकुम। साइमा किचन में आप सबको वेलकम करती हूँ। आज मैं चिकन टिक्का मसाला बना रही हूँ। आधा किलो चिकन लेकर हूँ, इसमें टेस्ट के अनुसार सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। और इस तरीके से बनाकर देखिए, मेरे स्टाइल में 1 स्पून सौंफ पाउडर ऐड कर रही हूँ और टेस्टी होगा ऐसा बनाइए। 1 स्पून धनिया पाउडर, 1 हाफ स्पून टेस्टिंग पाउडर, 1/2 स्पून हल्दी पाउडर, 1 स्पून गरम मसाला, टेस्ट के अनुसार चिली पाउडर मैं 1 स्पून ऐड कर रही हूँ, 1/2 स्पून काली मिर्ची पाउडर और इसमें रंग के लिए फूड कलर ऐड कर रही हूँ, 1 स्पून घी ऐड कर रही हूँ। एक 1.5 स्पून अदरक लहसुन पेस्ट ऐड कर रही हूँ। एक स्पून दही ऐड कर रही हूँ। इसे अब मैरिनेट कर लेंगे। हम हाथों से अच्छा इसे खुलाकर मैरिनेट करेंगे। मेरे साथ चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। रेसिपी अच्छी रहने पर मुझे लाइक कीजिए। इस तरह से मैरिनेट करके इसे 1 आवर तक रखिए। इस तरीके से बनाकर देखिए, आपको पसंद आए तो रेसिपी लाइक कीजिए। ये मेरे स्टाइल में मैं बना रही हूँ। चिकन टिक्का मसाला बनाने के लिए 1 प्याज कटा हुआ बड़ा प्याज लीजिए, सिनेमन स्टिक 2 इलायची, 5 से 6 लौंग ऐड करें, थोड़ी अदरक, लहसुन डालकर इसका मसाला बनाएं। 4 टमाटर प्यूरी बना लें, 4 टमाटर की प्यूरी मिनट करके 1 आवर हो गए हैं। इसे अब ऑयल डाल रही हूँ पूरा रोस्ट करने के लिए। सिर्फ आधा इंच फील करने के लिए ऑयल और घी ऐड कर रही हूँ टेस्ट के लिए। इसमें बोनलेस भी है, हड्डियों वाला भी है, दो भी मिक्स लेती हूँ। ये एक बार डाल देती हूँ और एक बार में ये रोशन पर डालूंगी। आप टिक्का मसाला बनाने के लिए इसे ऑयल डाल रही हूँ। प्याज ऐड कर रही हूँ, बड़ा साइज का एक प्याज, 2 चिली, बीच में चीरा लगाकर ऐड कर रही हूँ चिली को। ऐसा ही डालने पर मेरे को फट करके उड़ता हूँ चिली। कलर की हो चुकी है, अब इसमें रंग के लिए टेस्ट के अनुसार चिली पाउडर ऐड करेंगे। अपने हिसाब से ऐड करें, धनिया पाउडर 1 स्पून, गरम मसाला 1/2 स्पून, हल्दी पाउडर 1/2 स्पून, बेसिंग पाउडर 1 स्पून, काली मिर्ची पाउडर थोड़ी सी डालकर मिलाएं।
जो अदरक लहसुन प्याज पीसा हुआ पेस्ट है, अदरक लहसुन प्याज पीसा हुआ पेस्ट है, वो पेस्ट इसमें ऐड करेंगे। और इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटो मेल्ट होने दें, थोड़ी देर इस तरह से पकाएंगे तेल सही से तेल आएगा। ये मसाला अब हो चुका है। अब इसमें टेस्ट के अनुसार, इसमें भी चिकन में भी सॉल्ट ऐड है, इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। सॉल्ट ऐड करके एक कटोरी दही डाल रही हूँ। मैरिनेटेड में भी दही ऐड किया है और चार टमाटर प्यूरी बनाकर हूँ वो भी इसमें ऐड कर रही हूँ। चिकन के लिए मैरिनेट किया था वो मसाला भी थोड़ा है, ये भी इसमें ऐड कर रही हूँ। मसाला पक चुका है, अब इसमें ये टिक्का ऐड करेंगे। दम कितना अच्छा रंग है, अच्छा टेस्ट हुआ है, रोस्ट अच्छा हुआ है, इसे मैं ऐड कर रही हूँ। ये 5 मिनट तक कुक करेंगे। पत्ती में डालकर इसका ये ग्रेवी डन है। 5 मिनट आफ्टर 5 मिनट के बाद इसे चेक करेंगे।